खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमा वापस ले लिया है। पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के दायर याचिका में लिखा गया है कि मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। साल 2020 में पूर्व की अशोक गहलोत सरकार की गहलोत की सरकार में फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया था। फ़ोन टैपिंग मामले में शेखावत और अशोक गहलोत आमने सामने थे, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में अशोक गहलोत और उनके उस वक्त के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उस वक्त केस दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम राजस्थान में जाँच करने आई थी, जिसे तत्कालीन गहलोत सरकार ने रोक दिया था। इस जांच को रोकने के लिए अशोक गहलोत की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हो सकी है। अब इस मामले में वर्तमान की राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका राज्य सरकार की ओर से दी गई थी, इस वजह से वर्तमान की भजनलाल सरकार ने इस याचिका को वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि इस मामले में सितंबर में सुनवाई हो सकती है। वहीं केंद्र की एजेंसी को जाँच से रोकने के लिए किया गया मुकदमा वर्तमान सरकार ने वापस ले लिया। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र की एजेंसी अब राजस्थान में आकर फोन टैपिंग मामले में और भी जांच कर सकती है। इस मामले में मुख्य रूप से अशोक गहलोत और लोकेश शर्मा आरोपी हैं। ऐसे में अशोक गहलोत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। सोमू, जो मुकदमा दायर किया गया था वो वापस ले लिया गया है, याचिका लगाई गई थी, और ये अब इस ओर इशारा कर रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत और उनके जो करीबी लोग रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यही मानकर चला जाए। निश्चित रूप से देखिए, इस फैसले के बाद अशोक गहलोत और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो साफ है। और बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि राजस्थान में फोन टैपिंग का भूत जो है वो फिर से निकल करके सामने आया है। जब दूसरे चरण के चुनाव होने थे उससे पहले अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कुछ जो फाइल्स हैं वो दिखाने की कोशिश की थी, पूरा घटनाक्रम बताया था, ऑडियो भी सुनाया था। और उसके बाद भी एक ऑडियो हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें कथित रूप से अशोक गहलोत और ओएसडी लोकेश शर्मा की बातचीत सुनाई दे रही है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से अब जब यह फैसला आया है तो यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। हालांकि पहले भी दिल्ली पुलिस के हाथ में इस बात की जांच थी, तब हालांकि राजस्थान की सरकार ने उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब जब यह मामला वापस लेने की कवायद में सरकार जुट गई है और उसको लेकर के हलफनामा किया गया है, तो यह साफ हो चुका है कि दिल्ली पुलिस अब बिना किसी रुकावट के इस मामले की जांच करेगी। और जांच में निश्चित रूप से जिस प्रकार से हाल के दिनों में ओएसडी लोकेश शर्मा का स्टैंड रहा है, उसको देख करके ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर सोमू आनंद, मैं चाहूंगी दर्शकों को बताएं ये संक्षेप में कि आखिर पूरा मामला क्या रहा और मुकदमा जो लगाया गया था वो वापस क्यों लिया गया है और किस रूप में आप मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला 2020 का है, जब सियासी संकट राजस्थान में उभर के सामने आया था और सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस के 1.5 दर्जन से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी थी और वो यहां से निकल के मानेसर चले गए थे। तब जो तत्कालीन जो सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो उस सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास का भी लगा था और फिर तमाम कवायदें हुई थी सचिन पायलट को मनाने की, फिर बयानबाजियां हुई थी। और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर यह आरोप लगा था कि वे इस सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख की कोशिशें कर रहे हैं। उस वक्त उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था और तब ये कहा गया था कि उनका फोन जो है वो टैप कराया गया है और इसी को लेकर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज कराया था दिल्ली में जो ओएसडी थे अशोक गहलोत के, लोकेश शर्मा, उनके खिलाफ। तो उसके बाद जो राजस्थान सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि यह मामला राजस्थान पुलिस जो है वह सक्षम है इस मामले की जांच के लिए, इस मामले की जांच जो है वो राजस्थान पुलिस करेगी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। तो पूरा मामला जो है वो सियासी संकट के वक्त हुए फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में अब सरकार ने यह कहा है, मौजूदा भजनलाल सरकार ने, कि इस मामले की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर सकती है और उन्होंने जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था जांच को रोकने के लिए, उसको वापस लेने का फैसला लिया है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ सोमू आनंद, महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं।